हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदीमन। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास सेवन्थ की पॉलिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो समानता का जो अधिकार है वह संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 14 से 18 तक में समानता का अधिकार लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, यानी अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22, इसमें हमारे स्वतंत्रता के अधिकार जो हैं वो उल्लेखित किए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, मास मीडिया की क्या उदाहरण है? मास मीडिया के क्या उदाहरण है? तो इसका आंसर है मास मीडिया में अखबार, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट, ये सभी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर, सोशल मीडिया क्या है? मास मीडिया हमने देखा, अखबार, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट आते हैं, और सोशल मीडिया के अंतर्गत ऑनलाइन संचार चैनलों का एक माध्यम है जो कि लोगों के लिए नेटवर्क में सूचनाओं, विचारों, तस्वीरों, चलचित्रों की सृजन, सहभागिता या आदान प्रदान को संभव बनाता है। ठीक है, तो सोशल मीडिया जो है वो केवल ऑनलाइन संचार चैनलों का एक माध्यम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, समाज के सदस्यों का दृष्टिकोण और सामाजिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए? समाज के सदस्यों का दृष्टिकोण और जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं वह सभी लोकतांत्रिक होनी चाहिए, मानवतावादी होनी चाहिए और समानतावादी होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, देखिए ये वाला जो प्रश्न है ये आपके आरपीएससी में, यूजीसी नेट में आया हुआ ये क्वेश्चन है। क्लास सेवन्थ में भी ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आपको और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। किस ग्रंथ में उल्लेखित है कि सुगंधा, दिद्दा और कोटा नामक महिलाओं ने बहुत समय तक कश्मीर में शासन संचालित किया? तो यह किस ग्रंथ में उल्लेखित है? तो यह राजतरंगिणी में उल्लेखित है। राजतरंगिणी में हमें कश्मीर का शासन मिलता है और इसमें सुगंधा, दिद्दा और कोटा नामक महिलाओं के बारे में भी उल्लेखित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन, समानता का अधिकार क्या है? तो धर्म, जाति, समुदाय और लिंग, ये सभी वर्ड जो है वो आपको याद होने चाहिए। धर्म, जाति, समुदाय, लिंग और जन्मस्थल, इनके आधार पर भेदभाव ना होना, यही है समानता का अधिकार। ऑप्शन में एक वर्ड जो है वो हटा दिया जाता है तभी आंसर जो है वो रॉन्ग हो सकता है। तो सभी याद रखिए, धर्म, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थल के आधार पर कोई भी भेदभाव ना करना, यही समानता का अधिकार है। और समानता के अधिकार जो है वह संविधान के 14 से लेकर 18 तक अनुच्छेद में उल्लेखित किए गए हैं। नेक्स्ट है, अस्पृश्यता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि अस्पृश्यता का अधिकार जो है वह समानता के अधिकार में आता है या स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। तो हमें मालूम है कि अस्पृश्यता का अधिकार जो है वह समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है और यह 14 से 18 तक जो अनुच्छेद हैं उसमें दिए हुए हैं, जिसमें अनुच्छेद 17 जो है वह अस्पृश्यता के अधिकार की बात करता है कि किसी से भी छुआछूत और धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नाइन, मूल अधिकारों का हनन होने पर नागरिक को अधिकार है। अगर जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर नागरिक के उनके अधिकारों का हनन हो रहा है तो नागरिक क्या कर सकता है? तो उसे अधिकार है कि वह हाई कोर्ट में भी जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर जनहित याचिका जो है वो लगा सकता है। ठीक है, तो मूल अधिकारों का हनन होने पर नागरिक को अधिकार है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो जा सकता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 10। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष शब्द को बदलकर कौन सा शब्द लिखा गया है? देखिए प्रस्तावना जो है वो उसमें एक एक शब्द जो है वो आपको लर्न होने चाहिए। मैं आपको एक अलग से वीडियो में केवल प्रस्तावना जो है वह करवाऊंगी। तो उसमें जो धर्म निरपेक्ष शब्द है उसको हटाकर कौन सा शब्द जो है वो अब लिखा हुआ है? पहले धर्म निरपेक्ष था, उसको हटाकर पंथ निरपेक्ष शब्द लिख दिया गया है, क्योंकि धर्म निरपेक्ष जो है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि यह केवल धर्म की बातें जो है वो संविधान में उल्लेखित हो रही थी। तो पंथ निरपेक्ष जो है वो एक अच्छा शब्द है, तो इसीलिए धर्म निरपेक्ष को हटाकर पंथ निरपेक्ष शब्द लिख दिया गया। नेक्स्ट है सार्वभौमिक मताधिकार किसे कहा जाता है? तो हम लास्ट क्लास में कर भी चुके हैं कि सार्वभौमिक मताधिकार क्या होता है। सार्वभौमिक यानी सभी को, और मताधिकार यानी मत या मत का अधिकार। तो जो 18 वर्ष से अधिक के जो सभी वयस्क हैं, सभी वयस्क व्यक्ति, व्यक्ति में स्त्री और पुरुष दोनों ही आ जाएंगे, तो सभी वयस्क को मत का अधिकार ही सार्वभौमिक मताधिकार है। दोनों ही शब्द याद रखने हैं, एक तो 18 वर्ष से अधिक और सभी वयस्क, ठीक है। तो वयस्क में आप केवल स्त्री या पुरुष दोनों ही शामिल होंगे, एक को नहीं लिया जाएगा, सबको शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12। नीति निर्देशक तत्व क्या है? तो हमने देखा कि मौलिक अधिकार जो हैं वो नागरिक को प्राप्त है, ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो एक निर्देश है जो कि संविधान के द्वारा सरकार के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे निर्देश जो कि संविधान ने सरकार के लिए बनाए हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो है वो बाध्यकारी नहीं होते हैं, जरूरी नहीं है। सरकार के लिए निर्देश हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उनको मानने के लिए बाध्यकारी है। चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट हम चैप्टर 3 करेंगे, और इसी तरीके से हम 7th क्लास 8th 9th और 10th क्लास तक पूरा कवर करेंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में एक भी सिंगल क्वेश्चन जो है वो ऐसा नहीं लगे कि हमने ये पढ़ा ही नहीं था। क्वेश्चन 1 है, संसद और विधानसभाओं में कितने प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित करने की मांग है? तो इसका आंसर होगा 33%। देखिए वैसे तो 50% आरक्षित करने की मांग है, लेकिन आपकी बुक में 33% दिया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय निकायों के चुनाव के लिए महिलाओं का राजस्थान में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय निकायों के चुनाव के लिए जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है वो दिया गया है 33%, और मांग जो है वो 50% की है। नेक्स्ट है, जनहित याचिका क्या है? जनहित याचिका क्या है? न्यायालय में जनता की भलाई से जुड़े हुए विषय का एक प्रार्थना पत्र है। जब जनता को कोई भी परेशानी होती है तो वो अपने न्याय के लिए न्यायालय में जनहित याचिका जारी कर सकता है, तो ये एक प्रार्थना पत्र है। महिलाओं की उच्च शिक्षा के लिए बचत द्वारा धन जुटाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो इस योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। कौन सी योजना है जिसमें उच्च शिक्षा के लिए बचत द्वारा धन जुटाने के लिए योजना चलाई गई है? तो वो है सुकन्या समृद्धि योजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, महिला बाल कल्याण के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो महिला बाल कल्याण के लिए जो योजना चलाई जा रही है वो है जननी सुरक्षा योजना। तो आपको याद रखना है कि जहां धन जुटाने के लिए योजना की बात की गई थी उस योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है, लेकिन महिला बाल कल्याण के लिए जो योजना है वह है जननी सुरक्षा योजना। नेक्स्ट है, सती प्रथा के विरुद्ध कानूनी प्रतिबंध किसने लगाया था? तो हमने ये हिस्ट्री में भी पढ़ा था क्लास 9th में, सती प्रथा के विरुद्ध कानूनी प्रतिबंध लगाने वाले
राजा राममोहन राय थे, जिन्होंने 1829 ईस्वी में इसके लिए बहुत अधिक प्रयास किया था और कानूनी प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया था। जो भी स्त्रियां होती थी जो विधवा हो जाती थी, तो उनको अपने पति के साथ जो है वहीं पर उन्हें सती होना पड़ता था। तो राजा राममोहन राय ने, जिन्हें आधुनिक भारत के पिता कहा जाता है, तो उन्होंने 1829 ईस्वी में सती प्रथा के विरुद्ध कानूनी प्रतिबंध लगवाया। किसने विधवा विवाह के समर्थन में जागृति पैदा की? तो सती प्रथा के विरुद्ध राजा राममोहन राय ने, और विधवा पुनर्विवाह के लिए जो भी कार्य किए वो ईश्वरचंद विद्यासागर ने किए। उन्होंने इस समर्थन में जागृति पैदा की विधवा पुनर्विवाह के संबंध में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, लैंगिक भेद क्या है? लैंगिक भेद क्या है? तो इसका आंसर है समाज द्वारा बनाया गया स्त्री और पुरुष के बीच होने वाला भेद। ठीक है, लैंगिक भेद क्या है? जिसमें कि समाज ने यह भेद जो है वो क्रिएट किया है कि ये स्त्री है और ये पुरुष है, तो स्त्रियों को स्त्रियों वाले काम करने चाहिए और पुरुषों को पुरुष वाले काम करने चाहिए। तो ये सभी समाज के द्वारा बनाया गया एक भेद है। नेक्स्ट है लिंग भेद क्या है? तो देखिए, जो प्रकृति ने बनाए हैं स्त्री और पुरुष में भेद, क्योंकि स्त्रियों का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो अलग होता है और पुरुषों का अलग होता है, तो ये है लिंग भेद। कंफ्यूज नहीं होना है, जब हम लिंग भेद की बात करते हैं तो प्रकृति द्वारा बनाया गया है, लेकिन लैंगिक भेद जो है वो समाज द्वारा क्रिएट किए गए हैं। आपकी जो, जब आप पैडागोजी करेंगे, जब आप शिक्षण विद्या करेंगे, वहां पर ये क्वेश्चन जो है वो आपको हेल्प करेंगे, तो आपको एक-एक वर्ड जो है वो ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए उसी की तरीके से एक और वर्ड है लैंगिक संवेदनशीलता, जिसे हम लैंगिक समानता भी कहते हैं। अब ये क्या है? स्त्री और पुरुष दोनों के प्रति समान भाव अनुभव करना, ये क्या है? लैंगिक समानता। कि भाई कोई भी स्त्री जो है वो पुरुषों के जैसा काम कर सकती है, पुरुष जो है वो भी स्त्रियों के जैसा काम कर सकते हैं, तो दोनों में कोई भी असमानता नहीं है। यही है लैंगिक संवेदनशीलता या लैंगिक समानता। राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार कुल साक्षरता प्रतिशत है, तो कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल साक्षरता प्रतिशत है 66.17%। ठीक है, याद रखना है 66.17%। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो महिला साक्षरता प्रतिशत है 52.10%। बिल्कुल याद रखना है आपको, पॉइंट के बाद जो 10% है ये भी याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल आपको ये चीज जो है वो याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर क्या है? तो पुरुष साक्षरता दर है 79.20%। ठीक है, तो देखिए हमने कुल साक्षरता प्रतिशत वो था 66.17%, जिसमें महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत 52.10 और पुरुषों की 79.20। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले में सबसे कम साक्षरता है? तो राजस्थान में सबसे कम है जालौर में साक्षरता। ठीक है, जालौर में बहुत कम साक्षरता है। क्वेश्चन 15 है, भारत का लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार क्या है? तो भारत का जो लिंगानुपात है पुरुष और महिलाओं के बीच जो अनुपात है वो 2011 के अनुसार क्या है? तो वो है 1000 पुरुषों के पीछे 943 महिलाएं। ठीक है, महिलाओं की संख्या कम है, यह 1000 पुरुषों के ऊपर ही लगाई जाती है, तो कितना है? 1000 पुरुषों के ऊपर 943 महिलाएं, ये भारत की है। और जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात जो है वो प्रति 1000 पुरुषों के पीछे 928 महिलाएं हैं।
ठीक है, याद रखना है अच्छे से। भारत में 943 भारत में ज्यादा है, लेकिन राजस्थान में और भी कम है, 928 महिला प्रति 1000 पुरुष। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, उनका नाम था न्यायमूर्ति फातिमा बीबी। ठीक है, न्यायमूर्ति फातिमा बीबी किसकी? सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के अभी जो मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में, वो हैं शरद अरविंद बोबड़े। अब जो बच्चे ऐसे पूछते हैं कि जो करंट जीके है वो आएगा या नहीं आएगा, तो वो इसी तरीके से पूछा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबड़े। नेक्स्ट है, भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो देखिए, भारत में जो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की जो मुख्य न्यायाधीश थी, वो थी न्यायमूर्ति फातिमा बीबी। ठीक है, अब पूछा है हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी वो थी लीला सेठ। महिला और बाल कल्याण के लिए कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? जननी सुरक्षा योजना। ठीक है, हमने क्वेश्चन पढ़ा था पहले भी कि महिला बाल कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो जननी सुरक्षा योजना है। राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ है? राजस्थान का उच्च न्यायालय जो है वो जोधपुर में है, लेकिन इसकी जो एक ब्रांच है वो जयपुर में भी है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। नेक्स्ट है, लोक कल्याणकारी सरकार के कर्तव्य में सम्मिलित है। लोक कल्याणकारी सरकार के कर्तव्य में सम्मिलित है न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, शिक्षा व रोजगार और सामाजिक सुरक्षा व कल्याण। तो ये क्या है? लोक कल्याणकारी सरकार के कर्तव्य हैं। नेक्स्ट है 24, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर कहाँ हुई है? ठीक है, 10 वर्षों में जो वृद्धि दर है वो कहाँ हुई है राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार? तो इसका आंसर है, देखिए, जो पहले जो टॉप 3 हैं, यानी सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर बाड़मेर में 32.5, उसके बाद जैसलमेर में 31.8% और जोधपुर की 27.7%। ठीक है, तो पहले दो जो हैं वो तो आपको याद ही होने चाहिए कि राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर जो है वो सबसे अधिक बाड़मेर की है 32.5%, और जैसलमेर की 31.8% और जोधपुर की 27.7%। नेक्स्ट है, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाले जिले हैं डूंगरपुर, जिसमें 1000 पुरुषों के ऊपर 994 महिलाएं, उसके बाद राजसमंद 990 और उसके बाद पाली। ठीक है, पहले दो जो हैं वो आपको याद ही रखने हैं। सबसे पहले है डूंगरपुर, जिसमें सर्वाधिक लिंगानुपात है, और उसके बाद है राजसमंद। चैप्टर 3 जो है वो कंप्लीट कर लिया है पॉलिटी का, नेक्स्ट हम चैप्टर 4 करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, संघ सूची जिसे हम केंद्र सूची भी कहते हैं, और राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसमें कितने विषय शामिल हैं? तो आंसर है, संघ सूची में पहले 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 100 हैं। नेक्स्ट, राज्य सूची में 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में अब ये 61 हो चुके हैं। समवर्ती सूची में 47 विषय थे और वर्तमान में ये 52 विषय हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये कि अब संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल किए गए हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि संघ सूची में यहाँ पर जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र को होता है, राज्य सूची में राज्य बनाते हैं, और समवर्ती सूची इसमें केंद्र और राज्य जो है वो दोनों ही बना सकते हैं।
क्वेश्चन टू है, संघ सूची के अंतर्गत विषय आते हैं। अब हम देखते हैं कि जो केंद्र सूची के अंतर्गत कौन से विषय सम्मिलित किए गए हैं। फर्स्ट है प्रतिरक्षा, यानी प्रतिरक्षा से संबंधित कानून जो है वो हमारा केंद्र बनाता है। विदेशी मामले से संबंधित, बैंकिंग, संचार, रेलवे और मुद्रा, ये सभी जो विषय हैं वो केंद्र सूची के अंतर्गत आते हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को है। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड, राज्य सूची के अंतर्गत विषय कौन से आते हैं। तो अब राज्य जो है वो कौन कौन से कानून जो है बनाने का अधिकार रखता है, जिस पर केंद्र जो है वह अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो राज्य जो है वो पुलिस, स्थानीय व्यापार व वाणिज्य, कृषि और सिंचाई, इनसे संबंधित जो कानून है वो बना सकता है। तो ये जो विषय है ये आपको याद होने चाहिए। अब देखिए समवर्ती सूची, इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर ही कानून का निर्णय लेते हैं। लेकिन ये भी याद रखना है कि अगर कई बार केंद्र और राज्य में टकराव हो जाए तो जो केंद्र है उसको ही ध्यान में रखा जाएगा, यानी केंद्र की बात जो है वही ध्यान में रखी जाएगी। समवर्ती सूची के अंतर्गत विषय आते हैं वन, शिक्षा, मजदूर संघ और विवाह भी। ठीक है, तो याद रखना है कि शिक्षा के ऊपर केंद्र अपना नया कानून बना सकता है और राज्य जो है वह भी बना सकता है। लेकिन अगर दोनों में टकराव हो गई तो हमेशा केंद्र की बात जो है वही रखी जाएगी, क्योंकि आखिर जो बड़ा है वो केंद्र ही है। राजस्थान राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या है, राजस्थान राज्य में विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या है वो 200 है। नेक्स्ट है विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम होती है, यानी विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो यह कम से कम 40 सदस्य जो है वह होनी चाहिए। देखिए राजस्थान में विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ केवल विधानसभा है राजस्थान में, लेकिन और राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही है, और कुछ राज्य हैं जहां पर विधान परिषद नहीं है। राज्य सरकार की शक्तियों के कितने अंग हैं। राज्य सरकार की शक्तियों के अंग हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका के अंतर्गत ही स्थायी कार्यपालिका आती है, ठीक है। लेकिन राज्य सरकार के तीन ही अंग हैं, याद रखना है केवल तीन अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। यहाँ जो लिखा हुआ है और स्थायी कार्यपालिका, ये कार्यपालिका के अंतर्गत ही आता है। तो कार्यपालिका यानी कि जहां पर कानून के ऊपर जो कार्य करेंगे, कानून जब बनेगा तो उसके ऊपर कार्य करने वाले जो अधिकारी होंगे वो यहाँ शामिल होंगे। विधायिका के अंतर्गत कानून बनाने का कार्य होता है, और न्यायपालिका जो कि इन दोनों के बीच में निर्णय का कार्य करता है। लेकिन न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका और विधायिका इन दोनों से ही बिल्कुल अलग होता है। विधायिका का क्या कार्य होता है, चलिए अब हम देखते हैं कि विधायिका का क्या कार्य होता है। विधायिका जैसा कि नाम से पता है, विधायिका यानी विधि और विधि यानी कानून, लॉ। तो यहाँ कानून बनाने का कार्य जो है वो विधायिका का होता है, ठीक है। याद रखना है कि राज्य सरकार के अंतर्गत तीन अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो विधायिका जो है उसका काम होता है कानून बनाना। कार्यपालिका का क्या कार्य होता है, अब कार्यपालिका का क्या काम होता है, जो कानून बना है, जो विधायिका ने कानून बनाया है उसे लागू करने का काम होता है कार्यपालिका का, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं। तो जो कानून को लागू करते हैं उनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और सरकारी अधिकारी, जो हमने स्थायी कार्यपालिका हमने पहले देखी थी वो ही उसी के अंतर्गत सरकारी अधिकारी जो है वो आते हैं, ठीक है। तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, जो राज्य सरकार के तीन ही अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ठीक है। तो कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आया, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और सरकारी अधिकारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, विधायिका में कौन कौन आते हैं। अब कानून जिन्होंने बनाया तो उनके उसके अंतर्गत आएंगे राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद यानी संसद,
जैसे कि केंद्र में संसद आती है, उसी तरीके से राज्य में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, ये सभी कानून को बनाने का कार्य करते हैं। न्यायपालिका में कौन कौन आते हैं? अब देखिए, न्यायपालिका में आते हैं उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं वो आते हैं। लेकिन जब हम केंद्र की बात करते हैं तो वहाँ न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय जो है वह भी सम्मिलित होता है, ठीक है, ये याद रखना है। सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय होता है, उसके बाद उच्च न्यायालय और उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय होता है। नेक्स्ट है, किसके पास कार्यपालिका और विधायिका दोनों की शक्तियां होती हैं? तो हमने देखा था कि राज्यपाल को हमने कार्यपालिका के अंतर्गत भी देखा था और विधायिका के अंतर्गत भी देखा था। तो कार्यपालिका जहां पर कानून को लागू करने की बात है, तो बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर के वो कोई भी कानून जो है वो पास नहीं होता है। और विधायिका के अंतर्गत भी देखा कि जब कानून को बना रहे होते हैं वहां पर भी राज्यपाल का अहम रोल होता है। तो राज्यपाल जो है वो कार्यपालिका और विधायिका इन दोनों की शक्तियों में उसकी भागीदारी होती है। नेक्स्ट है, राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? देखिए, संवैधानिक यानी कि संविधान मुखिया, ठीक है। तो राज्य का जो संवैधानिक मुखिया होता है वो होता है राज्यपाल। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राज्य का मुखिया कौन होता है, तो वो होता है राज्यपाल। लेकिन जब हम ऐसे देखते हैं कि राज्य का वास्तविक मुखिया कौन होता है, तो तब आंसर आएगा आपका मुख्यमंत्री। याद रखना है, राज्य का संवैधानिक मुखिया राज्यपाल होता है और वास्तविक मुखिया मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति जितने वर्ष चाहता है उतने वर्ष तक राज्यपाल जो है उस राज्य का राज्यपाल रह सकता है। और इस उम्र जो है सॉरी उम्र नहीं वर्ष जो है वो 5 साल जो है वो इसका कार्यकाल होता है, ठीक है। तो एग्जाम में इस तरीके से भी आ सकता है कि लगभग 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। नेक्स्ट देखेंगे, स्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं? तो हमने देखा था राज्य के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। स्थायी कार्यपालिका जो है वो कार्यपालिका का ही एक अंग होता है। तो इसमें जो जनता द्वारा निर्वाचित नहीं किए जाते हैं बल्कि सरकार उन्हें लंबे समय तक के लिए नियुक्त करती है, जैसे सचिव है, अन्य प्रशासनिक अधिकारी है, IAS, PCS, तो ये सभी क्या है, स्थायी कार्यपालिका के ही अंग होते हैं। तो ये सरकार की सहायता करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं और काफी लंबे समय तक सरकार जो है इनकी नियुक्त इन्हें कर देती है। तो इन्हें सीधा जनता द्वारा निर्वाचित नहीं किया जाता है। क्वेश्चन 18 है, राज्यपाल बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? तो राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र जो है वो 35 वर्ष है और आपके पास कोई कोई इस तरीके की सरकारी जो है वो जॉब नहीं है और आपने 35 वर्ष पूरे कर लिए हैं और आप इस देश के नागरिक हो, उस राज्य के नागरिक हो, तो आप भी राज्यपाल पद के लिए निर्वाचित हो सकते हो। तो राज्यपाल बनने के लिए उम्र जो है वो केवल 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं, उनके प्रसाद पर्यंत ही राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति होती है। और राज्यपाल जो है वह उस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन 20 है, मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, ठीक है। राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री से सलाह लेता है कि कौन कौन से मंत्री जो हैं वो आप मंत्रिमंडल में हो सकते हैं। तो यह सलाह जो है वो मुख्यमंत्री से लेता है और मंत्रियों की नियुक्ति करता है।
नेक्स्ट है, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वह राज्यपाल में निहित होती है। राज्य की विधायिका के सत्र को आहूत आहूत यानी कि बुलाना और प्रथम सत्र को संबोधित कौन करता है? तो देखिए, राज्य की विधायिका के जो सत्र होता है उसको बुलाने का काम और प्रथम सत्र को संबोधित करने का काम कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इस तरीके से अगर पूछ लिया जाए कि राज्य की विधायिका के सत्र की जो बैठक है, बैठक कौन करता है? तो वो अध्यक्ष करता है। वो उस विधानसभा में से ही एक अध्यक्ष चुना जाता है और वो अध्यक्ष जो है वो बैठक में अध्यक्षता करता है, लेकिन उस सत्र को बुलाने का काम और संबोधित करने का काम कौन करता है? राज्यपाल करता है। नेक्स्ट है 23, राज्य में कोई भी पारित विधेयक किसकी स्वीकृति के हस्ताक्षर होने के बाद ही कानून बन सकता है? हमने देखा कि कार्यपालिका और विधायिका, वहां पर राज्यपाल का अहम रोल होता है। तो अगर कोई भी विधेयक है जो कि पारित हुआ है तो वो राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता है। तो वहां पर राज्यपाल के हस्ताक्षर जो है वो होने चाहिए, जब ही कोई विधेयक है कानून बन सकता है। नेक्स्ट है 24, राज्यपाल की स्वीकृति के बिना कौन सा विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत ही नहीं किया जा सकता? तो देखिए, राज्यपाल की स्वीकृति के बिना जो धन विधेयक होता है, जब बजट बनता है तो उस समय जो धन विधेयक होता है वह विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता राज्यपाल की स्वीकृति के बिना। क्वेश्चन 25 है, राज्य में आपातकालीन शक्तियां क्या हैं? तो राज्य में आपातकालीन शक्तियां जो हैं वो हैं जिनका प्रयोग राज्यपाल निर्वाचित सरकार के स्थान पर राज्य में राष्ट्रपति शासन होने की स्थिति में करता है। तो राज्यपाल को ये अधिकार होता है कि वह जब राष्ट्रपति शासन लग रहा होता है तो सारे शक्ति है वो राज्यपाल के पास आ जाती है। तो राज्यपाल किसी से भी इसकी राय नहीं मांगता है, उसके पास शक्ति होती है तो वह वहां निर्णय लेने के लिए तैयार होता है, क्योंकि आपातकालीन स्थिति में बैठक बुलाना इतने जल्दी से संभव नहीं हो पाता है, तो राज्यपाल के पास सारी शक्तियां आ जाती हैं। मंत्री परिषद किसे कहते हैं? इसका आंसर है कि मुख्यमंत्री और उसके मंत्रियों के समूह को हम मंत्री परिषद कहते हैं। देखिए, मैं आपको पहले से ही ये बता देती हूँ, मुख्यमंत्री को समझने के लिए आप एक क्लास में अगर बहुत सारे बच्चे हैं और वहाँ एक मॉनिटर चुन लिया जाता है तो उसको ध्यान में रखकर अब आप इसको पढ़िए, ठीक है, तो आपको ये और ज्यादा ईजी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन 27 है, सरकार के प्रत्येक मंत्रालय में मंत्री की सहायता के लिए कौन होते हैं? तो हम लोगों ने राज्य के कितने अंग हैं ये हमने देखा था, तो वहां आपको समझ में आया होगा कि प्रत्येक मंत्रालय में मंत्री की सहायता के लिए कौन होते हैं। देखिए, सचिव होते हैं, जो हमने तीन अंग पढ़े थे, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो हमने कार्यपालिका के अंतर्गत एक स्थायी कार्यपालिका भी पड़ी थी। सरकार द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं सचिव और अन्य अधिकारी, तो ये सभी मंत्रियों की सहायता के लिए सरकार द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है, ठीक है। राजस्थान में मंत्री परिषद कहाँ से राज्य का शासन का संचालन करती है? तो कहाँ से करती है आपको उस स्थान का नाम बताना है। देखिए, राजस्थान में जो मंत्री परिषद है जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्रीगण सभी आते हैं, तो ये सभी जयपुर में स्थित सचिवालय भवन द्वारा राज्य के शासन का संचालन करते हैं। बुक में दिया हुआ है सचिवालय भवन का, बहुत ही सुंदर चित्र दिया हुआ है। तो ये कहाँ पर है? जयपुर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29, मुख्यमंत्री कौन होता है? ठीक है, तो मैंने आपको मॉनिटर का एग्जांपल दिया था, तो वो जैसे क्लास में एक मॉनिटर होता है उसी तरीके से राज्य में मुख्यमंत्री होता है। चलिए, विधानसभा में बहुमत वाली पार्टी के गठबंधन का नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री। विधानसभा में जो पार्टी बहुमत प्राप्त कर लेती है तो उन्हीं में से एक नेता जो है वो चुना जाता है कि हाँ यही हमारी टीम को संभालेंगे, ठीक है, तो वही मुख्यमंत्री होते हैं। तो मुख्यमंत्री जो है वो एक नेता ही होते हैं, वो एक मंत्री ही होते हैं और एज अ मंत्री ही कार्य करते हैं। राज्य के मंत्री परिषद का मुखिया या राज्य का वास्तविक मुखिया कौन होता है?
जैसे हमने देखा था कि राज्य के संवैधानिक मुखिया जो राज्यपाल होते हैं, क्योंकि उनके साइन के बिना राज्य के लिए कोई भी कार्य नहीं आगे बढ़ता है, उसी तरीके से राज्य के मंत्री परिषद का मुखिया हमने देखा कौन होता है, मुख्यमंत्री, जो कि राज्य का वास्तविक मुखिया होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री जो है इनके द्वारा कार्य किए जाते हैं, लेकिन राज्यपाल के साइन के बिना वो कार्य जो है वो आगे नहीं बढ़ता है। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो जो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद जो है वह विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अगर ये सभी इकट्ठे मिलकर कोई भी कार्य करते हैं, क्योंकि इन्हें सामूहिक रूप से ही करना पड़ता है, तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है, बहुमत दल का नेता होने के कारण मुख्यमंत्री विधानसभा के किस रूप में कार्य करता है? बहुमत दल का नेता होता है मुख्यमंत्री, लेकिन वो सदन के एक नेता के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33, राजस्थान में विधायिका कितनी सदनात्मक है? देखिए, भारत में राज्यों में द्विसदनात्मक विधान विधायिका है और कहीं पर एक सदनात्मक है। ठीक है, तो राजस्थान में एक सदनात्मक विधायिका जो है वो एक सदनात्मक है। ठीक है, और विधायिका के अंतर्गत हम देखते हैं कौन कौन आता है, राज्यपाल आते हैं, विधानसभा आती है और विधान परिषद आता है। तो यहाँ राज्यपाल भी है और विधानसभा भी है, लेकिन विधान परिषद नहीं है, इसीलिए यहाँ पर एक सदनात्मक विधायिका है। ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा हम देखते हैं कि द्विसदनात्मक जैसे बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यूपी और जम्मू कश्मीर, यहाँ पर द्विसदनात्मक विधायिका है, यहाँ पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, लेकिन राजस्थान में एक सदनात्मक ही विधायिका है। ठीक है, याद रखना है। राजस्थान राज्य की विधानसभा के 200 निर्वाचित क्षेत्र में से, हमने देखा था कि राजस्थान राज्य की विधानसभा में 200 क्या है, निर्वाचित क्षेत्र है। ठीक है, तो उनमें से कितना अनुसूचित जाति और कितना अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है? तो देखिए, 34 क्षेत्र जो है 200 में से वो अनुसूचित जाति के लिए और 25 क्षेत्र जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। ठीक है, तो जो सीटों का आवंटन है अनुसूचित जनजाति के लिए 34 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 25 है, तो ये इनके लिए रिजर्व है पहले से ही। नेक्स्ट है, विधायक या एमएलए कौन होते हैं? प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता द्वारा चयनित जनता का प्रतिनिधि विधायक कहलाता है, यानी कि जनता ही इनको चुनती है और इन्हें चुनकर विधानसभा में भेजती है। प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता द्वारा, जैसे एक निर्वाचन क्षेत्र है, वहां के जो मतदाता हैं वोट यानी वोट देते हैं और उनके द्वारा अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, वही विधायक कहलाता है, वही एमएलए कहलाता है, जो कि विधानसभा में या विधान परिषद में बैठता है। नेक्स्ट है, 36, विधायक बनने के लिए कितनी उम्र होना आवश्यक है? तो इसके लिए 25 वर्ष होना आवश्यक है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि राज्यपाल के लिए 35 वर्ष का होना जरूरी है, उसी तरीके से विधायक बनने के लिए 25 वर्ष का होना जरूरी है, मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष का होना जरूरी है, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष का होना जरूरी है। ठीक है, ये सभी याद रखिएगा। विधानमंडल में प्रथम और द्वितीय सदन कौन सा होता है? विधानमंडल, जिसके अंदर विधानसभा भी आएगी और विधान परिषद भी आएगी, तो इसमें प्रथम और द्वितीय सदन कौन सा होता है? तो देखिए, विधानसभा जो कि प्रथम सदन है और यह अस्थाई है, क्योंकि यह कभी भी भंग हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है विधान परिषद, यह दूसरा सदन है और जो कि स्थाई है, ये कभी भी भंग
नहीं होता है। तो याद रखना है, विधानसभा पहला सदन है जो कि अस्थाई होता है और विधान परिषद दूसरा सदन है। इसी तरीके से जब हम सेंट्रल का पढ़ेंगे, केंद्र का पढ़ेंगे, तो वहां पर देखेंगे कि लोकसभा जो है वह प्रथम सदन कहलाती है जो कि अस्थाई होता है, और राज्यसभा द्वितीय सदन होता है जो कि स्थाई होता है। ठीक है, तो देखिए एक चीज आप बिल्कुल दिमाग में रखिए, राज्य सरकार जिस तरीके से कार्य करती है उसी तरीके से केंद्र सरकार करती है। तो जिस तरीके से राज्य सरकार का ढांचा होता है, एक कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है और न्यायपालिका, तीन अंग होते हैं, उसी तरीके से सेंटर में भी यही होता है, केंद्र में भी कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है और न्यायपालिका होती है। इसीलिए कह रही हूँ कि यहाँ पर समझते चलिए, विधानसभा की बैठक वर्षों में कम कितनी बार होती है? विधानसभा की बैठक जो है वो वर्ष में 3 बार होती है, वर्ष में 3 बार होती है। विधानसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है? तो विधानसभा में कार्यवाही का संचालन जो है वो विधानसभा का अध्यक्ष करता है। जिस तरीके से लोकसभा में कार्यवाही का संचालन जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, जिसे हम स्पीकर भी कहते हैं, उसी तरीके से विधानसभा का अध्यक्ष जो है वो विधानसभा की कार्यवाही का संचालन करता है। राजस्थान की विधानसभा कहाँ स्थित है? राजस्थान की विधानसभा जयपुर में स्थित है। राज्य सरकार के धन संबंधी कार्यों पर किसका नियंत्रण होता है? तो राज्य सरकार की धन संबंधी कार्यों पर विधानसभा का नियंत्रण होता है, क्योंकि जब बजट बनता है तब सभी मंत्रियों की सहमति उसमें शामिल होती है। राज्य में बजट कौन प्रस्तावित करता है? तो राज्य में बजट जो है वह विधानसभा प्रस्तावित करती है। नेक्स्ट है, विधानसभा में सरकार के विरुद्ध कौन सा प्रस्ताव पारित होने पर मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है? तो हम पहले ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर अविश्वास प्रस्ताव जो है वो आता है विधानसभा में, तो उस वक्त मंत्री परिषद को त्याग देना पड़ता है। उसके बाद है, विधानसभा में सत्र की बैठक कौन करता है और सत्र कौन बुलाता है? देखिए दो बातें यहाँ पूछी गई हैं, एक तो सत्र की बैठक जो है वो लोकसभा स्पीकर की तरह विधानसभा अध्यक्ष करते हैं विधानसभा में, लेकिन इनको बुलाने का काम कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है, एक वर्ड आया था आहूत, आहूत करना है ना, तो सत्र को बुलाने का कार्य, सत्र को आहूत करने का कार्य होता है राज्यपाल का। विधान परिषद के कितने सदस्य हर 2 वर्ष में निवृत्त हो जाते हैं, यानी कि उनका रिटायरमेंट हो जाता है? तो विधान परिषद के लगभग 1/3 सदस्य जो हैं वो हर 2 वर्ष में निवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है, राज्यों की सबसे बड़ी अदालत तो होती है, केंद्र में सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट होता है, उसी तरीके से राज्य में सबसे बड़ा होता है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में है, इसकी एक पीठ या शाखा कहाँ है? तो जो हाई कोर्ट है राजस्थान का वो जोधपुर में है, लेकिन इसकी जो एक शाखा है, जो एक पीठ है, वह जयपुर में भी है। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा राज्य सरकार से रिलेटेड सभी प्रश्न, इसको आप बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि जब केंद्र सरकार पढ़ेंगे तो वहां पर आपको आसानी होगी। क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 सरकार और लोक कल्याण, तो ये चैप्टर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए क्वेश्चन 1 है, किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बालक बालिकाओं को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो यह है संविधान के अनुच्छेद 21 के बाद एक नया अनुच्छेद जोड़ा, अनुच्छेद 21A, तो उसके तहत हमें यह मिलता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बालक बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, और इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। ये भी आपको याद रखना है और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, शिक्षा में पिछले उपखंडों में सरकार ने कौन सी संस्थाएं संचालित की है? शिक्षा में जो भी पिछड़े उपखंड है
पिछड़े क्षेत्र जो हैं वहां सरकार ने कौन सी संस्थाएं संचालित की हैं। तो देखिए याद रखना है, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल जो आपको अपने क्षेत्र में भी देखने को मिलेंगे, 6 से 12 तक की कक्षाएं यहाँ कराई जाती हैं, शारदा बालिका छात्रावास जो कि 9 से 12 कक्षा के लिए चलाई गई है। और यह सरकार ने क्यों चलाई है, शिक्षा के पिछड़े उपखंडों में जहां पर एजुकेशन की इन्हें कमी दिखाई दी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सरकार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए किस प्रणाली से सस्ती दर पर गेहूं चीनी आदि खाद्यान्न उपलब्ध करवा रही है। तो ये हम सब जानते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो भी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं उनके लिए सरकार गेहूं चीनी जैसी खाद्यान्न वस्तुएं उपलब्ध करवा रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, आंगनबाड़ी केंद्र पर कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो देखिए हमें याद नहीं रहता है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो इसका आंसर है 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है, और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा का प्रावधान भी सरकार ने किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान सरकार द्वारा किस योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों में रोगियों को निशुल्क दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। तो इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री निशुल्क दवा व जांच योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा व जांच योजना। देखिए आंसर जो है वो आपको बहुत इजी लग रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जब ये आ जाते हैं ऑप्शन के साथ तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो ऑप्शन इतने प्यारे प्यारे देता है कि हमें सभी राइट लगते हैं। तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन का आंसर ही याद रखना है, जिससे कि ऑप्शन कोई भी आ जाए हमें तो इसका आंसर आता है। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा और जांच योजना, इसके तहत रोगियों को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं राजस्थान में। किसी योजना के तहत माता व शिशुओं को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। तो माता और शिशुओं के लिए जो सेवाएं हैं वो है जननी व शिशु सुरक्षा, ठीक है, याद रखने में आसानी होगी, माता यानी कि जननी और शिशुओं यानी कि शिशु सुरक्षा, तो बहुत ही इजी वे में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, ग्रामीण परिवारों में आवास के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजनाएं कौन सी हैं। ग्रामीण परिवारों में आवास के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजनाएं कौन सी हैं, तो यह है मुख्यमंत्री आवास योजना, हम आए दिन न्यूज़पेपर में भी ये पढ़ते हैं, तो यह ग्रामीण परिवारों के लिए है इंदिरा आवास योजना, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 8 है, शहरी परिवारों में आवास के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजना कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा मुख्यमंत्री जन आवास योजना। देखिए अब कंफ्यूजन कैसा होता है, जब हमने ग्रामीण परिवारों में आवास के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजनाएं देखी थी तो वहां पर आंसर क्या था, तो वहां पर आंसर था मुख्यमंत्री आवास योजना और इंदिरा आवास योजना। जब हमने शहरी परिवारों की बात की तो वहां है मुख्यमंत्री जन आवास योजना, तो किन्हीं एक को आप याद रख लेंगे तो दूसरा जो है आंसर वो आपको याद हो जाएगा। तो आप चाहे शहरी परिवार वाला याद रख लें या फिर ग्रामीण परिवार वाला याद रख लें। नेक्स्ट है, सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत अकुशल श्रमिक द्वारा रोजगार की मांग को किस योजना के तहत पूरा कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी अकुशल श्रमिक हैं, जो कुशल नहीं हैं, उन्हें रोजगार की मांग के लिए किस योजना के तहत ये पूरा किया जा रहा है। तो सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसके तहत जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत अकुशल श्रमिक हैं, इनको रोजगार की मांग पूरा करवा रही है, जिसे हम नरेगा भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, महात्मा गांधी नरेगा योजना भी कहते हैं इसे। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी सरकार द्वारा प्रदान की गई है। तो सरकार गारंटी देती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 150 दिन के लिए रोजगार जो है वो दिया जाएगा। तो याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में 250 या 200 या 350 दिन ऐसे आ जाएगा,
तो याद नहीं रख पाएंगे, याद रखना है 150 डेज। क्वेश्चन 11 है, महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत यदि रोजगार उपलब्ध ना हो पाए तो कितने दिनों में बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अब संख्या अधिक होने की वजह से किसी कारणवश नहीं दे पा रही है उस वक्त सरकार उन बेरोजगारों को, तो उसके लिए सरकार देगी बेरोजगारी भत्ता, तो वह 15 दिनों में ही बेरोजगारी भत्ता उनको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, भामाशाह योजना के अंतर्गत परिवार का मुखिया किसे बनाकर परिवार के सदस्यों का नामांकन किया जाता है। अब कईयों को तो इसका आंसर शायद नहीं भी पता होगा और बहुत इसका आंसर जानते भी होंगे कि जो भामाशाह योजना चली है, भामाशाह कार्ड, तो वहां पर परिवार का मुखिया है वो किसे बनाया गया है। तो इसका आंसर है परिवार का मुखिया जो है वो महिला को बनाया गया है, जो भी महिला है उसे ही हेड बनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है। तो यह अभियान है डिजिटल इंडिया, ठीक है, याद रखिएगा डिजिटल इंडिया। क्वेश्चन 14 है, राजस्थान में और राष्ट्रीय स्तर पर सूचना का अधिकार कब बना। राजस्थान में कब बना सूचना का अधिकार और राष्ट्रीय स्तर पर कब बना सूचना का अधिकार। तो आंसर है कि राजस्थान में सूचना का अधिकार जो है वह बना 2000 में और नेशनल लेवल पर कब बना 2005 में। उसके बाद है क्वेश्चन 15, राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम 2011 क्या है। तो इसका आंसर है इस अधिनियम के द्वारा 18 सरकारी विभागों के 53 विषयों की 153 सेवाओं को शामिल किया गया है, जैसे कि ऊर्जा है, पुलिस है, चिकित्सा है, यातायात है, खाद्य आपूर्ति, सार्वजनिक निर्माण विभाग, किसके अंतर्गत, राजस्थान लोक सेवा की गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत। तो देखिए क्लास जो है वो आपकी 7th क्लास चल रही है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में देखने को मिले हैं। किस अधिनियम के द्वारा अगस्त 2012 से पूरे राज्य में आम जनता की शिकायतों और समस्याओं के निवारण के लिए अधिनियम बना। तो जो 2012 में ये अधिनियम बना, यह बना राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, जिसमें कि आम जनता की शिकायत और समस्याओं का निवारण किया जा सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, न्यूनतम जीवन स्तर से क्या तात्पर्य है। न्यूनतम जीवन स्तर का अर्थ है जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन आदि आवश्यकताओं का वह न्यूनतम स्तर जो एक व्यक्ति के सामान्य जीवन के लिए वांछित हो, यानी ये चीजें जो है जितनी एक सामान्य जीवन के लिए हो सकती हैं उतनी तो मनुष्य को मिले, तो यही है न्यूनतम जीवन स्तर। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन आदि आवश्यकताएं का वह न्यूनतम स्तर जो एक व्यक्ति के सामान्य जीवन के लिए जरूरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, एक कल्याणकारी राज्य कौन सा होगा। तो आंसर है वह सरकार जो नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर की सभी सुविधाएं, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा ये उपलब्ध करवाने के लिए कार्य करती है, तो वही एक राज्य कैसा है, कल्याणकारी राज्य है। तो यहाँ हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, लास्ट चैप्टर है आपकी 7th क्लास की पॉलिटी पूरी हो जाएगी। तो देखिए आप लोग बहुत ध्यान से इनको पढ़िए क्योंकि कुछ दिनों बाद ही मैं इन सबके क्लास वाइज टेस्ट भी लूंगी, तो आपको टेस्ट देना होगा जिसमें पूरी क्लास 6 को आपको अच्छे से पढ़ना होगा और उसके बाद आपका नेक्स्ट डे टेस्ट लिया जाएगा, जिससे आपकी बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। क्योंकि कुछ बच्चों की ये समस्या रहती है कि वो वीडियो बार बार देखते हैं, उन्हें याद नहीं होता है, तो टेस्ट की वजह से आप उन्हें अच्छे से याद कर पाओगे और आपकी बहुत अच्छी रिवीजन होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कौन सा है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कौन सा है। तो इसका आंसर है मीडिया या प्रेस, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, मीडिया किस अंग्रेजी शब्द से बना है। देखिए कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमें अक्सर चीज़ें ऐसी मिलती हैं कि मीडिया किस भाषा से बना है, तो हम वहां देखते हैं कि लैटिन भाषा ही होगा, लेकिन यहाँ तो आपको ध्यान रखना है कि मीडिया अंग्रेजी शब्द से, मीडियम से बना है, ठीक है, मीडिया मीडियम से बना है जो कि अंग्रेजी शब्द है।
तो देखिए मीडियम इसका अर्थ होता है माध्यम, जैसे कि हम हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, तो वो क्या होता है, एक माध्यम होता है। क्वेश्चन 3 है, मीडिया किसे कहते हैं? तो मीडिया का अर्थ होता है माध्यम। विचारों सूचनाओं की आदान प्रदान की प्रणाली को मीडिया कहते हैं, जहां हम अपने विचारों को सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो ये माध्यम हो सकता है रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, टेलीफोन या कंप्यूटर। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हमने मीडिया को जाना। मास मीडिया क्या होता है? तो थोड़ा सा ही फर्क होता है, अखबार, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट की सोशल साइट की पहुंच बड़े जनसमूह, याद रखना है, बड़े जनसमूह तक पहुंचाना, ठीक है, जिससे कि लोगों को एक साथ प्रभावित किया जा सके। तो यह मास मीडिया के माध्यम से ही हो सकता है, जिसमें एक साथ जो जनसमूह है वहां तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। ठीक है, तो थोड़ा सा ही अंतर है मीडिया और मास मीडिया में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है, लेकिन फिर भी नहीं पता होगा बहुत सारे बच्चों को कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी। तो एक चीज तो याद रखनी है कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर ही स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी। बस आपको सन याद रखनी है 2014। 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी। केवल 5 क्वेश्चन ही निकल कर आए हैं। ये चैप्टर जो है वो केवल समझ पर आधारित था, जो कि हम बहुत सारी चीजों को पहले समझ भी चुके हैं। तो यहाँ पर इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं निकले हैं, केवल 5 ही निकले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी थे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्लास 8 पॉलिटी का चैप्टर नंबर 1 के साथ। थैंक यू।